हेलो नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोग होटल में काम कर रहे हैं, टेक्नीशियन हो चाहे जो भी हो, अगर आपके यहाँ ये रिमोट लगा है डायकिन का और आपको समझ में नहीं आ रहा या कुछ दिक्कत हो रही है आपको, तो इसके बारे में हम थोड़ी आपको इनिशियल जानकारी देना चाहेंगे स्टार्टिंग की। अगर आपको दिक्कत हो रही है या आप हाउसकीपिंग के स्टाफ हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कम से कम आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें ये हमारा रिमोट है, तो इसमें ये हमारा पावर का बटन है, पावर ऑन ऑफ का। इसको अगर हम अभी तो ये ऑन है एसी हमारी, इसको अगर हम एक बार दबा देंगे तो हमारी ये एसी ऑफ हो जाएगी। अभी ये ऑफ हो जाएगी, ठीक है, ये ऑफ हो गई। अब इसके बाद में समझने वाली जो चीज़ें हैं, मैं इसमें जो सिग्नल्स हैं और जो डिस्प्ले पे दिखते हैं इनके बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहला जो बटन है यहाँ पे मूड के बारे में दिया है, तो ये जो रिमोट है तीन मोड पे काम करेगा। एक कूलिंग, थोड़ा करीब से दिखा दीजिए, एक कूलिंग है, बीच में हीटिंग है और फिर फैन मोड है। तो अगर एसी का मोड हमें चेंज करना है, मान लीजिए जाड़े से गर्मी पे या बारिश के दिन है, एसी का अगर मोड चेंज करना है तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे और इसका सिग्नल हमारा यहाँ पर आएगा। अभी ये कूलिंग मोड में है इसलिए यहाँ पर आइस का सिग्नल दिखा रहा है। अभी इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो इसका सिग्नल चेंज हो गया, फैन मोड पर चली गई। फ़ैन मूड में केवल पंखा ही चलेगा, ना ठंडा करेगा ना गर्म करेगा। उसके बाद में फिर अगर हमें दूसरा मूड लगाना है तो ये हो गया, बारिश के दिनों में इस मूड का यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा ये कूलिंग मूड हो गया। तो ये तीन मोड हैं इसमें, इस तरह मोड इसका ऑपरेट होता है। अगले बटन की तरफ आएंगे तो अगला बटन हमारा फ़ैन की स्पीड का है, मतलब फ़ैन स्पीड आप तेज़ कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, और इसका सिग्नल आता है यहाँ पर। अभी ये देखिए एल दिखा रहा, मतलब ये लो है। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये जब सिंगल एच आएगा और फैन आएगा तो मतलब ये मीडियम फ़ैन हो जाएगी स्पीड, और जब और एक बार प्रेस करेंगे डबल एच होगा तो मतलब ये फुल स्पीड हो गई फ़ैन की, ठीक है। इसके बाद में जो अगला हमारा बटन है ये हमारा है स्विंग का। तो यहाँ पे जो एसी लगा है वो स्विंग वाला नहीं है, ये डक्टेबल है, तो इसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है। फिर ये होता है हमारा टेम्परेचर का बटन, ये थर्मामीटर का सिम्बल इसमें बीच में बना है, तो टेम्परेचर इसमें बढ़ाएंगे इससे घटाएँगे। अब टेम्परेचर का ये है कि अगर आपको ज़्यादा जाड़ा करना है कि ठंडी हमको ज़्यादा लगे तो इसका हम टेम्परेचर घटाएंगे इस तरह, और इसका जो सबसे लो है वो है 16 डिग्री। हालांकि 16 पे कभी चलाना नहीं चाहिए, 18 तक ही लाना चाहिए, लेकिन 16 है इसका, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे इसका तो रूम में गर्मी होएगी, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो ये गर्मी दिखाएगा, मतलब गर्मी आएगी। अब इसके बाद में ये तो हो गए एक दो तीन चार, ये चार बटन हैं जो ज़्यादा यूज के हैं, इनके बारे में भी अगर आपको जानकारी है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा बस ठीक है, आपको बताने के लिए इतनी जानकारी बहुत है, धन्यवाद।